बीते दिन बिहार में 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया और इसी के साथ लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। रिजल्ट देखते ही छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। वैसे तो पिछले 5 सालों की तुलना में इस साल बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का शानदार प्रदर्शन रहा। इस साल कुल 82.91 परीक्षार्थी पास हुए, लेकिन चर्चा परीक्षा में टॉप करने वाले परीक्षार्थियों की रही, जिसमें पूर्णिया के शिवांकर कुमार ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। शिवांकर ने 500 में से 489 अंक हासिल किए, जिसके बाद उनके चर्चे होने लगे। उनके घर लोग मिठाई लेकर पहुंचने लगे और मुबारकबाद देने लगे। अब परीक्षा में टॉप करने के बाद शिवांकर कुमार ने अपने सपने के बारे में बताया है, साथ ही पढ़ाई करने के तरीके के बारे में भी बताया है, जिससे तमाम बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैट्रिक परीक्षा में जिला स्कूल के छात्र शिवांकर कुमार बिहार टॉप करने के बाद अपने सपने के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे चलकर NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिहार में टॉप करूंगा, लेकिन बचपन से मुझे हमेशा परिवार का सपोर्ट और बहुत प्यार मिला। अपने सपने को लेकर शिवांकर ने कहा कि उन्हें भविष्य में ऐसे किसी भी विभाग में काम करने की उनकी इच्छा है जहां से देश का नाम रोशन हो सके और सम्मान को बढ़ाया जा सके। उनके पिता के बारे में बताएं तो संजय विश्वास प्राइवेट ट्यूटर होने के साथ साथ LIC के एजेंट हैं, जबकि उनकी माता कुमकुम देवी हाउसवाइफ हैं। वो 4 भाई बहन हैं और वो सबसे छोटे हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर शिवांकर ने बताया कि वो पढ़ाई करते थे। शिवांकर ने कहा कि उसने परीक्षा को लेकर कोई रूटीन नहीं बनाया। उनको दिन हो या रात जब भी मौका मिलता था बस मन लगाकर पढ़ाई करते थे। फिर भी करीब 10 घंटे रोज पढ़ते थे। जिला स्कूल में परीक्षा को लेकर स्पेशल क्लास की व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी की इस पहल पर परीक्षा से पहले टेस्ट भी लिया गया, जिससे परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में और आसानी हुई, जिससे उनको और ज्यादा सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि विषय वस्तु पर पकड़ बनाने के लिए SCERT की किताबों का सहारा लिया। स्कूल में शिक्षक जो भी बताते थे उसे नोट करता गया। दिए गए क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करता रहा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास था कि मेरा रिजल्ट बेहतर होगा। टॉपर बनकर काफी खुशी मिल रही है। मेरी सफलता में माता पिता के साथ साथ स्कूल और कोचिंग के शिक्षकों का अहम योगदान है। तो वहीं शिवांकर के पिता संजय विश्वास ने कहा कि मेरी कोशिश रही कि हर हाल में घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल दे सकूं। शिवांकर बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। तो वहीं शिवांकर की माँ कुमकुम देवी ने कहा कि जब शिवांकर पेपर देकर आया तो मैंने उससे कहा कि बहन इंटर की परीक्षा में 416 अंक लेकर आई है, तुम्हारे अंक इससे कम आए तो तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी, घुसने नहीं दूंगी। बस जब माँ ने रिजल्ट देखा तो वो खुशी से झूम उठी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।